फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक मॉल में। वहाँ पे जो है मुझे गिफ्ट लेना है, कल जो है बर्थडे पार्टी है, तो उसके लिए हमें गिफ्टिंग देनी है, तो बस उसके लिए हम जा रहे हैं। और मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको लेकर चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ अच्छी अच्छी चीज़ें। Liana, Liana, what is this? Liana, what is this? ये देखिए, माशाल्लाह बहुत सारे टॉयज रखे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमने ले लिया, कर ली शॉपिंग हमने। ये बहुत अच्छे रहते हैं एनिमल्स बच्चों के लिए। Liana, what you want? What you want? What you want? Yes? You want this? This is duck. You like it? You like it? Liana? Liana, you like it? Liana, Liana, क्या चाहिए आपको? हाँ, यू लाइक इट? यू वॉन्ट दिस? यू वॉन्ट दिस? हाँ,
यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं बच्चों की। हमने तो डिसाइड कर लिया है क्या लेना है, मैं आप लोगों को बस दिखा रही हूँ। अभी हम लोग घर आ गए हैं और अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। डिनर के लिए मैं बना रही हूँ कीमा लौकी, और ये मैंने कीमा ले लिया है, 400 ग्राम है, दो ये लौकी है, इस तरह से मैंने इसको क्यूब फॉर्म में काट लिया है, और रफली चॉप मैंने किया है, अनियन है, ये 3 अनियन है, और ये 4 टमाटर हैं, बिल्कुल रफली काटा है, और ये जो है लहसुन लिया है मैंने, मोटा मोटा काट लिया है इसको, और अदरक को भी ऐसे ही रफली चॉप किया है मैंने। ये मैंने ग्रीन चिलीज ले ली हैं, आप लोग अपने हिसाब से ज़्यादा ले सकते हैं, हमारे लिए इनफ है ये, क्योंकि मेरी बेटी भी खाती है तो मैं थोड़ी मिर्चें जो है स्पाइस ऐसा रखती हूँ कि वो खा सके। और मसालों में जो है ये खड़े मसाले पूरे जाएंगे, ये सब कुछ खड़ा मसाला जाएगा क्योंकि ये खड़े मसाले का कीमा है, और इसमें मैं ऐड करूँगी लौकी। बहुत मज़े का बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बस मैं ये जो है धनिया जो है साबुत धनिया इसको मैं ग्राइंड करके डालूँगी, अदरवाइज़ मैं बाकी सारे मसाले जो हैं वो साबुत डालूँगी। बस साबुत धनिया जो है बस इसको मैं जो है ग्राइंड कर लूँगी, और बाकी जितने भी सारे स्पाइसेस हैं ये सब ऐसे जाएंगे खड़े मसाले में, खड़े जो कीमा बनता है खड़े मसाले का कीमा, तो ये उसमें ऐसे ही जाएंगे, और ये सब कुछ भी ऐसे ही जाएगा। इसको मैं कोई ना ग्राइंड करूँगी ना चॉप करूँगी, ये प्याज, ये टमाटर, ये ग्रीन चिलीज, लहसुन, अदरक, ये सब कुछ ऐसे ही जाएगा कीमे में। और ये जो है मैं इसको लौकी को अलग से पहले इसको बॉयल कर लूँगी, कीमे में सब चीज़ें ऐड करूँगी मैं। ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका क्या स्टेप होगा, सेकंड स्टेप, कीमे में सब चीज़ें मैं डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मैं जैसा हम स्टू बनाते हैं वैसे मैं स्टू की तरह इसको चढ़ा दूँगी और पकने के लिए रख दूँगी। बाकी ये जो है लौकी है, ये लौकी को मैं अलहदा से बॉयल करूँगी नमक डाल के। ये देखिए मैंने इसको स्टू की तरह चढ़ा दिया है, कीमा डाला, कीमे में मैंने प्याज डाली है, कीमा प्याज डाली, टमाटर डाले, हरी मिर्चें, सारे जो होल स्पाइसेस थे वो सब डाल दिए हैं, सिर्फ मैंने धनिया पाउडर जो है उसको मैंने पीस लिया है, वो मैं अब ऐड कर रही हूँ। लहसुन, अदरक सब कुछ मैंने इसी में डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। और यहाँ पे जो है मैंने लौकी भी बॉईल करने के लिए रख दी है, ये भी बॉईल जब हो जाएगी तो फिर मैं इसको, जब कीमे इसमें पानी खुश्क हो जाएगा इस कीमे का, फिर मैं इसमें ऐड करूंगी और फिर इसको मज़ीद है ना 20 मिनट के लिए और पकाऊंगी ताकि वो सब एक जान हो जाए और जो है उसमें जो है लौकी में जो है सारा फ्लेवर आ जाए इसका। और यहाँ मैं जो है ऑयल भी अभी ही ऐड कर रही हूँ, बस ये सब चीज़ें भी एक साथ ऐड करके पकने के लिए रख दूंगी। जब इसका पानी जो है ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसके आखिर में जो है भुनाई करूंगी, और भुनाई करके जब ये अच्छा सा भुन जाएगा कीमा तो फिर मैं ये लौकी जो है बॉयल हो रही है ये ऐड कर दूंगी और फिर मज़ीद 20 मिनट के लिए और पकाऊंगी, दम पे रख दूंगी तो सब ये एक जान हो जाएगा और जो है उसमें भी लौकी में फ्लेवर आ जाएगा सब मसालों का, इस कीमे का, हर चीज़ का। ये देखिए माशाल्लाह हो गया है, इसका पानी ड्राई होने हो रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता, और बस अब मैं इसकी भुनाई कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं लौकी इसमें ऐड करूँगी। अच्छा लौकी भी जो है मैंने 15 मिनट बॉईल करी है, 15 मिनट बॉईल करने के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था, और बस अब मैं इसकी भुनाई करूँगी कीमे की, उसके बाद फिर मैं लौकी मिक्स कर दूँगी। ये देखिए इसमें मैंने लौकी ऐड कर दी है, और बस मैंने सिंपल इसमें नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था, बस इसको मिक्स करके बस इसके साथ जो है मैं 20 मिनट इसको दम पे रखूँगी, थोड़ा सा भी मैं इसकी भुनाई करूँगी, जब पानी खुश्क हो जाएगा तो इसके बाद मैं इसको 20 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। ये माशाल्लाह रेडी हो गया है कीमा लौकी, और इसमें मैंने हरा धनिया ऊपर से डाल दिया था, इसके आखिर में मैंने अच्छे से भुनाई कर दी थी, और लौकी डाल के 20 मिनट मैंने दम पे रखा था, उसके बाद फिर इसकी
पहले तो मैंने कीमे की भुनाई कर ली थी, फिर लौकी डाली थी। लौकी डाल के फिर मैंने इसको 20 मिनट के दम पे रख दिया था। माशाल्लाह ये रेडी हो गया है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत बहुत ज़्यादा, और बहुत मज़े का बनता है ये। आप कीमा लौकी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कीमा टिंडे भी बनते हैं, कीमा लौकी बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग नहीं खाते हैं लौकी, जैसे बच्चे नहीं खाते हैं या कोई और भी नहीं खाता है, तो उसको इस तरीके से बना के दें तो बहुत मज़े की लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप ये रेसिपी मेरी। और इसी तरह वेजिटेबल भी चली जाएगी, बच्चे भी खा लेंगे, बड़े भी खा लेंगे, सभी शौक से, और मज़े की भी लगती है। तो आप उस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज का ब्लॉग मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज़ 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 ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ अच्छा भी नहीं लगा है तब भी प्लीज़ आप लोग जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। इसके पीछे बड़ी मेहनत लगती है, हर वीडियो बनाने के पीछे बहुत मेहनत होती है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।